हेलो स्टूडेंट्स आज की आपकी वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट वर्कशीट नंबर 19 ये है एटीनथ अगस्त की वर्कशीट तो ये जो वर्कशीट है ये आपकी लिटरेचर का एक चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक उस पर बेस्ड ये वर्कशीट है कॉम्प्रीहेंशन इसका टॉपिक है तो आपको ये जो पैसेज दिया हुआ है उसको पढ़ना है समझना है और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको आंसर करने हैं तो जल्दी से ये पैसेज पढ़ लेते हैं एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल एवलिन ग्लेनी जो थी उसका जो लॉस ऑफ हियरिंग थी जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे से खोई थी ऐसा नहीं था कि एक दिन अचानक से उसे सुनना बंद हो गया बल्कि धीरे धीरे उसको सुनना कम होता चला गया हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वेन द एट ईयर ओल्ड एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डेंट मूव आई सडनली रियलाइज शी हैड Says Isabel Glenny. तो उसकी जो मदर थी इज ग्लैनी उन्होंने ये पहली बार तब नोटिस किया कि कुछ तो गड़बड़ है जब एवलिन जो थी वो आठ साल की थी शी वॉज एट ईयर ओल्ड और वो पियानो प्ले करने के लिए वेट कर रही थी तो सब उसे बुला रहे थे रिकॉल्ड हर नेम लेकिन वो हिली नहीं अपनी जगह से हिली नहीं और सडनली उनकी मदर को रियलाइज हुआ कि उसे तो वो सुनाई ही नहीं दे रहा था जब लोग उसे बुला रहे थे

तो वो धीरे धीरे खराब हो रही थी डैमेज हो रही थी वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू फॉर द डेफ तो उसके पेरेंट्स को ये एडवाइस दिया गया एवलिन के की उसे हियरिंग एड्स पहले तो दीजिए और साथ ही साथ वो जो एक स्पेशल स्कूल है जो सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए बना होता है जो डेफ होते हैं जो सुन नहीं सकते हैं उस उस स्कूल में उसे भेजा जाए एवरी थिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन तो जब एवलिन को ऐसा पता चला कि ये हुआ है तो अचानक से उसकी पूरे जीवन में अंधेरा छा गया बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप लेकिन एवलिन बहुत स्ट्रांग थी और उन्होंने ये डिटर्मिनेशन लिया कि वो हार नहीं मानेंगी शी विल नॉट गिव अप शी वॉज डिटमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक तो उन्होंने ये प्रण लिया वो बहुत डिटरमाइंड थी इस चीज के लिए कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएंगी एक साधारण जिंदगी जिएंगी और जो उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट था तो म्यूजिक में जो उनका म्यूजिक uh, में आगे बढ़ने की जो उनकी चाह थी इच्छा थी वो उसे कंटिन्यू रखेंगी वो आगे भी बढ़ाएंगी

तो इसीलिए जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत डिस्करेज किया उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये ये मत करो क्योंकि तुम नहीं कर पाओगी लेकिन एक परकशनिस्ट था रॉन फोब्स तो उन्होंने उसका पोटेंशियल देखा उन्होंने उसकी एबिलिटी देखी और उसे एनकरेज किया बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट तो उन्होंने क्या किया वो दो बड़े बड़े आए और उन्होंने उसकी जो है, उसकी जो sound है, वो अलग अलग, अलग, -अलग नोट किया जिससे कि एक ड्रम जो है वो बहुत ही हैवी साउंड देता था एक ड्रम जो है वो बहुत ही पतली सी धीमी सी साउंड देता था डोंट लिसन थ्रू योर इयर्स ही वुड से ट्राई टू सेंस इट इन समर वे तो उसने रॉन से उसे बोला कि तुम अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो अपनी किसी और तरह से इसको सेंस करने की सुनने की कोशिश करो सेविलिन सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन तो जब वो ड्रम्स जो है जोर जोर से बजने लगे तो एविलिन को ये रियलाइज हुआ कि कमर से ऊपर का जो हिस्सा था वो जो था वो जो हायर ड्रम था जो बहुत जोर से बज रहा था उसकी जो वाइब्रेशंस थी वो वहां पर फील कर पा रही थी और जो ड्रम बहुत ही पतली टोन का था बहुत ही पतली टोन में बज रहा था उसका जो उसकी जो वाइब्रेशंस थी उसकी जो साउंड थी वो अपनी बॉडी में कमर के नीचे वाले हिस्से में वो फील कर पा रही थी

आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंडेशन तो इस एक्सरसाइज के थ्रू रॉन फोर्स ने ये जो एक्सरसाइज उनके साथ बहुत समय तक की इस एक्सरसाइज के थ्रू एवलिन uh, ने ये सीख लिया कि वो अपने माइंड अपने मस्तिष्क और अपनी बॉडी अपने शरीर को इन साउंड और वाइब्रेशन के लिए खोल दें मतलब कि वो इन साउंड और वाइब्रेश को अपने माइंड और बॉडी के थ्रू सुन सकें ये उन्होंने सीख लिया था द रेस्ट वॉज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क तो उसकी बात की जो भी उनकी सक्सेसफुल स्टोरी है वो सिर्फ उनकी इस लर्निंग उनके डिटर्मिनेशन और उनके हार्डवर्क उनकी मेहनत की वजह से ही है तो इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है जल्दी से एक्सरसाइज देख लेते हैं बहुत सिंपल एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज एवलिन वेन हर मदर नोटिस सिम्प्ट ऑफ डेफनेस इन हर तो जब उनकी मदर ने एवलिन की मदर रिजाबेल ने सबसे पहले ने नोटिस किया कि एवलिन की सुनने की शक्ति कम होती चली जा रही है उस समय पर एवलिन जो है कितने साल की थी तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया वो उस वक्त आठ साल की थी एट ईयर्स ओल्ड फिर बी है आपका डैश ऑफ एवलिन अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट तो एवलिन के कौन ऐसे पर्सन uh, थे जिन्होंने उसके पेरेंट्स को कहा कि उसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाना ले जाया जाना चाहिए तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑप्शन फोर हेडमिस्ट्रेस ने ऐसा कहा था कि एवलिन को आप स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाइए सी पार्ट है एवलिन केम टू नो अबाउट हर डेफनेस शी डैश तो जब एवलिन को पता चला कि वो अब सुन नहीं सकती है उनकी सुनने की शक्ति जा चुकी है तो उन्होंने कैसे रिएक्ट करा ऑप्शन वन है लॉस्ट होप उन्होंने बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी ऑप्शन टू स्टार्टेड क्राइंग वो रोने लगी ऑप्शन थ्री डिड नॉट गिव अप उन्होंने हार नहीं मानी ऑप्शन फोर नन ऑफ दीज इनमें से कुछ भी नहीं तो ऑब्वियसली जैसा डिस्क्रिप्शन में सुना होगा ऑप्शन थ्री डिड नॉट गिव अप इज द राइट ऑप्शन फिर क्वेश्चन डी है आपका एवलिन वॉज इंटरेस्टेड इन एवलिन किस में इंटरेस्टेड थी एवलिन ऑप्शन म्यूजिक में इंटरेस्टेड थी फिर ई e है आपका क्वेश्चन हर टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो उनके पोटेंशियल को किसने देखा और किसने एनकरेज किया ऑफकोर्स उनके मदर फादर या फ्रेंड ने नहीं बल्कि ऑप्शन टू प्रकशनिस्ट रॉन फोब्स ने उन्हें म्यूजिक फॉलो करने के लिए एनकरेज किया आगे चलते हैं आपके अगले क्वेश्चंस पर सो so, अब आ जाता है आपका क्वेश्चन एफ Evelyn could sense the sounds and vibrations of any musical instrument through her. तो so Evelyn जो थी वो musical instruments की sounds और vibrations को कैसे sense कर पा रही थी कैसे महसूस कर पा रही थी सिर्फ अपने हाथों से सिर्फ अपने पैरों से सिर्फ waist से अपनी कमर से या अपनी mind और body दोनों से तो option टू mind and body जो है आपका यहाँ correct option है फिर question G है ज हेल्प एवलिन ओवरकम हर फिजिकल चैलेंज तो एवलिन की कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज थी जिसकी वजह से उनका ये जो फिजिकल चैलेंज था जो ना सुनने का फिजिकल चैलेंज था वो वो ओवरकम कर पाई तो ऑप्शन वन है डिटर्मिनेशन ऑप्शन टू है हार्डवर्क उनकी मेहनत ऑप्शन थ्री है उनकी विल पावर या ऑप्शन फोर ऑल ऑफ द अबव ऑफकोर्स ये तीनों ही उनको उन्होंने उनको हेल्प किया कि वो अपना फिजिकल चैलेंज ओवरकम कर पाए तो ऑप्शन ऑल ऑफ द पर करेक्ट ऑप्शन है फिर एच आते हैं मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है सिनेम मतलब सिमिलर मीनिंग सेम मीनिंग तो डिग्रेड का मतलब डिग्रेड का मतलब हो जाता है कम हो जाना तो पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है कम हो जाना तो ऑप्शन वन है ग्रेजुअल ग्रेजुअल का मतलब मैंने आपको बताया धीरे धीरे तो ये ये सही वर्ड नहीं है टू है कंसील कंसील का मतलब छुपाना तो ये भी सही नहीं है फोर्थ ऑप्शन है आपका पोटेंशियल मतलब किसी में कितना पोटेंशियल है किसी में कितनी कैपेबिलिटी है ये भी ठीक नहीं है तो ऑप्शन थ्री डेटेरिएटेड ये है आपका करेक्ट ऑप्शन तो आज की आपकी इंग्लिश वर्कशीट में इतना ही है अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं अब आप चलते हैं इकोनॉमिक्स की आपकी वर्कशीट पर students, अब चलते हैं हमारी आ, Social Science की व्हाट इज डेमोक्रेसी इसको हम पहले तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे तो पहले मैं वर्कशीट आपको इंग्लिश की ही दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये वर्कशीट ध्यान से अच्छे से दिखाई दे फिर हम इसको हिंदी में भी देख लेंगे क्योंकि कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर वर्कशीट क्लियर नहीं आ रही तो इसलिए हम एक एक करके दिखा रहे हैं बट समझा हम दोनों में लेंगे मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी जैसे कि आप जानते हैं भारत अपना जो देश है उसमें डेमोक्रेसी सिस्टम है इसका मतलब क्या है किसे कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम वो होता है जहां पर जो लोग होते हैं जो रहने वाले जो लोग होते हैं पीपल होते हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है अपने काम करने के लिए जैसे कि इंडिया में होता है आप वोट करते हो और अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपने एरिया से उसको आप सिलेक्ट करते हो कि आप हमारी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे हम अपने जॉब करेंगे तो आप एक बंदे को ड्यूटी दे देते हो कि अब वो बंदा आपकी तरफ से काम करेगा तो यहाँ पे कुछ फीचर्स दे रखे हैं क्या क्या फीचर्स हैं वो भी पढ़ लेते हैं साथ में फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पहला है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट एक लिमिट्स में काम करता है मतलब हर एक की एक Uh, क्या कह सकते हैं उसको एक उसकी हाईएस्ट पावर है लोवेस्ट पावर है मतलब एक प्रधानमंत्री की भी एक लिमिट है जहां तक वो काम कर सकते हैं उसके बियॉन्ड हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के उसके अंदर वो बन जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर जो बुक है उसके अंदर सारे के सारे लॉज पहले से ही लिखे हुए हैं जिसको आप सिटीजेंस राइट के अंडर उनको काम करना होता है जो हमारी जो लोगों की जो राइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है

ये इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी दे रखा है तो मैं आपको यहीं पर ही यह आपको समझा देता हूँ फिर इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो बाद में आपको दिखा देंगे तो जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी पॉपुलेशन के पास इंडिया के पॉपुलेशन के पास हर एक आदमी के पास एक वोट देने की पावर है चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो आई ऑफिसर हो चाहे मुकेश अंबानी क्यों ना हो तो कोई भी हो उसके अंदर उसके पास सिर्फ एक ही वोट देने की पावर है ऐसा नहीं है कि उसके पास ज्यादा पैसे हैं तो वो दो वोट दे देगा या किसी के पास कोई पोजीशन बहुत अच्छी है प्रधानमंत्री है तो वो ज्यादा वोट दे सकता है उसकी वोट की गिनती दो बार होगी या चार बार होगी ऐसा नहीं है तो हर एक बंदे का चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या कोई भी कास्ट का हो कोई भी रिलीजन का हो या कोई भी सेक्स का हो मतलब हिंदू मुस्लिम या फिर मेल फीमेल कोई भी हो हर एक का वोट एक ही बार काउंट करा जाता है लास्ट आ जाता है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया इसका मतलब ये है कि जो भी पावर में है उसको जीतने और हारने की संभावना बराबर होनी चाहिए वो लोगों पे डिपेंड होना चाहिए पीपल पे डिपेंड होना चाहिए ना कि जो पावर में है उस पर डिपेंड होना चाहिए इसलिए इसे कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए

अब उनके काम से हो सकता है लोग संतुष्ट ना रहे हो इसलिए उन्होंने बीजेपी को सिलेक्ट करा अब अगली बार जब वोटिंग होगी तो अगर आप संतुष्ट होंगे तो वापस आप उनके लिए वोट करेंगे बीजेपी के लिए अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो आप दूसरी गवर्नमेंट के लिए आप वोट कर सकते हैं उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा वो काम कर रहे हैं वो स्कूल के लिए अभी आपकी जो वर्कशीट हैं वो भी उनका एक इनिशिएटिव है तो अगर आपको काम अच्छा लग रहा होगा तो आप इसको प्रमोट करेंगे ताकि वो आगे नेक्स्ट इलेक्शन में भी वापस आ सके अगर आपको काम अच्छा नहीं लग रहा तो ऑब्वियसली एक फेयर चांस सबको मिलेगा तो वो हार जाएंगे आइए चलते हैं इसी सेम को हम देख लेते हैं हिंदी में सो so, हिंदी में भी टॉपिक एकदम सेम है लोकतंत्र का अर्थ क्या है वो हमने पहले ही लोकतंत्र का अर्थ समझा दिया है कि जहां पर लोगों द्वारा कोई गवर्नमेंट जो चुनी जाए उसे कहते हैं लोकतंत्र उसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है विशेषताएं क्या है आंसर्स पे चल लेते हैं लोकतंत्र किसे कहते हैं तो हमारे जो यहाँ पे जो दूसरी लाइन है उसे यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पर सेकेंड आंसर पे चल लेते हैं सेकेंड आंसर है लोकतंत्र में प्रमुख फैसला लेने का अधिकार किसके पास है तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं जिनको हम चुनते हैं खुद उनके पास हमारे पास एक पावर होती है जिससे वो आपके फैसले ले सकते हैं नेक्स्ट है चौथे क्वेश्चन की तरफ पहले चलते हैं लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए क्यों होने चाहिए क्यों नहीं होने चाहिए तो आगे चलते हैं लोकतंत्र में निष्पक्ष हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया ताकि सबको हार जीत के लिए बराबर मौका मिले आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ एक वोट एक व्यक्ति से आप क्या समझते हैं आइए चलते हैं अब इसका आंसर आपको दिखा देते हैं तो so ये आपका जो आंसर नंबर थ्री है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है मीनिंग हम पहले समझा चुके हैं चाहे कोई बंदा अमीर हो या गरीब हो या उसकी कोई भी पोजिशन हो उससे फर्क नहीं पड़ता जो वोट है वो एक ही काउंट करा जाता है तो ये इसका मतलब है तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ले और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग